हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V20 सीरीज के दो लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस, अगर हम बात करें रिसेंटली लॉन्च हुए वीवो V20 के स्मार्टफोन्स की, तो इस स्मार्टफोन में आपको काफ़ी बेटर कैमरा एक्सपीरियंस, बेटर डिस्प्ले, बेटर प्रोसेसर और बेटर डिज़ाइन भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन को लेकर कस्टमर का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, जो कि आपको 25,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है। सो गाइस, इसी को लेकर यहाँ पर इसी के दो स्मार्टफोन्स और आने वाले हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, ये दोनों ही स्मार्टफोन होने वाले हैं वीवो V20 SE एंड V20 Pro। तो गाइस, इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, किस प्राइस सेगमेंट में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगे और क्या कुछ इनमें आपको मिलने वाला है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात करें वीवो V20 SE की, तो इसमें आपको 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जैसा कि आपको सेम देखने को मिली थी वीवो V20 में। और गाइज, इसी के साथ इसमें आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा के लिए यू शेप डिज़ाइन का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है फ्रंट साइड में। और यहीं पर अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइज, ये थोड़ा डाउनग्रेड प्रोसेसर है अगर हम कंपेयर करें वीवो V20 से। लेकिन गाइज, स्टिल यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इसी के साथ 8GB एंड 128GB की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। यहीं पर बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है, जिसमें प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का यू शेप डिज़ाइन सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। 4100 mAh की बैटरी कैपेसिटी, जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आने वाली है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm हेडफोन जैक, काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, अब हम बात करें वीवो V20 Pro, जो कि इसका प्रो मॉडल रहने वाला है। इसमें भी आपको 6.44 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जाएगी, लेकिन गाइज यहां पर आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गाइज, अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G का 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आपको सेम देखने को मिला था OnePlus Nord में। और गाइज, यहीं पर आपको 8GB 128GB की स्टोरेज कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है, लेकिन गाइज, जो इसका मेन हाईलाइट फीचर होने वाला है वो होगा इसका फ्रंट कैमरा को लेकर। यहाँ पर आपको 44 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है। यहाँ फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन में आपको ड्यूल पंच होल डिजाइन सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और गाइज, क्योंकि ये इसका प्रो मॉडल रहने वाला है, इसीलिए इसमें आपको प्रो कैमरा फीचर देखने को मिल जाता है। तो गाइज, 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी, जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट, 3.5 mm हेडफोन जैक, और गाइज, इसी के साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। और गाइज, अगर आप एक बेटर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इसके प्रो मॉडल के साथ जा सकते हैं। अब बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये स्मार्टफोन आपको 30,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। और गाइज, अगर हम बात करें वीवो V20 SE के प्राइस को लेकर, तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको 15,000 से लेकर 20,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। तो गाइज, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।